तो आज का हमारा वीडियो है 2 रुपीस के कॉइन्स के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है ताकि आप लोगों से कोई भी गलती ना हो और आप लोगों को समझ में आए कि 1992 से लेके 2004 तक जितने भी कॉइन्स बने हैं 2 रुपीस के नेशनल इंटीग्रेशन में से, इनमें से कौन से सिक्के की क्या कीमत है, कौन से दुर्लभ हैं इसमें और कौन से कम दुर्लभ है यानी स्कैर्स कैटेगरी के हैं, या कौन से कलेक्टेबल हैं जिनकी कीमत आगे चल के बढ़ सकती है, यानी आज अगर हम उन्हें कलेक्ट करके रखते हैं तो ज़रूर उनकी भी कीमत आगे बढ़ सकती है, ऐसे कौन से कॉइन्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस एक ही वीडियो में दिखाऊंगा। मेरी कोशिश होती है, जैसे मैंने 1 रुपीज़ के आपको एक सीरीज़ दी है रिसेंटली 1982 से लेके 1991 तक सारे सिक्के उसमें बताए हैं मैंने, कलेक्टेबल, स्कैर्स और रेयर। वैसे ही 5 रुपीज़ के कॉपर निकल वाले में 1992 से 2004 तक जितने सिक्के बने थे उसमें भी मैंने आपको बताया कौन से स्केयर्स रेयर हैं, कौन से कलेक्टेबल हैं। वैसे ही आज की भी ये सीरीज़ है 1992 से 2004 तक 2 रुपीज़ के नेशनल इंटीग्रेशन के जो भी हमारे सिक्के हैं, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कौन से अच्छी कीमत के सिक्के हैं, किन की प्राइस हज़ारों में है, किन की प्राइस 100, 200, 500 में की रेंज में है ना। तो इस टाइप के सारे कॉइन्स आपको दिखाऊंगा, कुछ टाइप्स दिखाऊंगा अलग अलग, और कोशिश करूंगा इसी एक वीडियो में आपको इतनी नॉलेज मिल जाए कि एटलीस्ट आप इस कॉइन्स की जब भी कलेक्शन करो तो ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये मेरी कोशिश है और मैं ख़ास करके ये वीडियो इस टाइप की बनाता हूँ हमारे ऑर्बिट ग्रुप के मेम्बर्स के लिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि उनकी जो भी डिटेलिंग्स है वो वीडियो में भी उनको मिल जाए, हमारे ग्रुप से जुड़ने पर भी, और कॉमन लोगों को भी ये वीडियो दे देता हूँ मैं ताकि उनको भी ये पता चले कि एक्चुअल में कौन से कॉइन्स को कलेक्ट करना चाहिए और कौन से कॉइन्स बिकते हैं, कौन से रेयर कैटेगरी के हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से कॉइन्स हैं जो इसमें हम देखने वाले हैं। तो 1992 से 2004 तक ये कॉइन बने थे, इससे पहले भी 1982 से 1990 तक सेम नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पे ही ये सिक्के बने थे, और इन सिक्कों में भी लगभग आपको पैटर्न डिज़ाइन देखने वैसा ही मिलेगा, यानी कि फ्लैग होगा मैप के अंदर, जो मैप बना होता है भारत का हमारा उसके अंदर एक फ्लैग होगा, तो वैसे ही नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पे सेम आपको दोनों ही कॉइन देखने मिलते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे नज़र मारोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली थोड़े से अलग हैं। जैसे इनका मेटल तो सेम है, दोनों ही कॉपर निकल के बने हुए, लेकिन वज़न की बात करें तो अभी जो नेशनल इंटीग्रेशन का जो 2004 तक जो बने थे 1992 से, ये वाले जो सिक्के जो आज हम डिस्कस करने वाले, इनका वज़न था 6 ग्राम और इससे पहले वाले जो बने थे वो लगभग 8 ग्राम के थे, 7.95 ग्राम। डायमीटर की बात करें तो अभी वाले जो अभी के जो सिक्के हैं वो 26 mm के थे, और जो उससे पहले के जो सिक्के हैं वो सिक्के थे लगभग 28 mm के, यानी थोड़े से बड़े थे, 2 मिलीमीटर उससे बड़े थे। थिकनेस में भी थोड़ा डिफरेंस है, जो रिसेंट वाले हैं वो उसका अगर थिकनेस देखें तो 1.71 mm है, और पहले वाले जो थे वो 1.93 mm थिकनेस वाले थे, यानी थिकनेस यानी उनकी मोटाई आप बोल सकते हैं कि इतने मोटे थे वो। और शेप में भी फ़र्क है, पहले वाले जो थे सिक्के जो थोड़े से बड़े थे वो सिक्के गोल आकार में थे यानी राउंड शेप में थे, और इससे इसके बाद वाले जो बने हैं 2004 तक वो राउंड शेप के नहीं थे, बल्कि उनमें 11 साइड आपको देखने मिलती थी। लेकिन हाँ, उनमें भी कुछ सिक्के राउंड वाले छपे हैं जो अलग प्लैंचेट पर छापे गए हैं, यानी कि बोला जाता है उसमें 1 रुपीज़ के प्लैंचेट पर भी छपे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत तादाद में वो सिक्के मिलते हैं, कुछ ही ऐसे सिक्के हैं 1 रुपीज़ के प्लैंचेट पर छपे हुए जिनको देखने से समझ में आता है कि ये वो सिक्के हैं, ठीक है। तो उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा क्या चीज़ है वो। तो आज फ़िलहाल मैं आप लोगों को इस टॉपिक पे रखना चाहता हूँ कि इसमें कलेक्टेबल, स्केयर और रेयर कौन से हैं, उन सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। और भी बहुत कुछ स्पेसिफिकेशन बताऊँगा मैं। तो ये हुई इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, अब आते हैं हम इनके रेयरिटी के ऊपर, स्केयरिटी के ऊपर और कलेक्टेबल कॉइन्स की डिटेल्स के ऊपर।
प्राइस भी बताऊंगा मैं आपको। तो रेयर कॉइन्स की अगर बात करें तो 1992 का नोएडा मिंट मार्क वाला, यानी डॉट मार्क होना चाहिए 1992 के नीचे, स्टार नहीं होना चाहिए और अलग कोई भी मार्क नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डॉट होना चाहिए। डॉट अगर होगा तो वो रेयर माना जाएगा। वैसे ही 2004 का भी नोएडा मिंट का अगर डॉट होगा तो रेयर माना जाएगा। अब जो प्राइसिंग बताने वाला हूँ वो मैं बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, जो लेटेस्ट बुक है दिलीप राजगौर साहब की, उनकी बुक से बता रहा हूँ। 1992 वाला है, वेरी फाइन कंडीशन में 1000 रुपये से स्टार्ट होता है, और यूएनसी कंडीशन यानी अनसर्क्युलेटेड, एकदम नया जिसको बोलते हैं, उस टाइप की कंडीशन का अगर मिल जाए तो ये 2500 रुपये भी आपको दिला सकता है। इसकी प्राइसिंग दी हुई है 1000 रुपये से 2500, और फाइन कंडीशन में यानी कि और थोड़ा कंडीशन लो हो तो मेरा एक अंदाज़ा है 300 रुपये से 500 रुपये तक फिर भी ये आपको दिला सकता है, ठीक है। इसके बाद जो 2004 का है उसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये बुक में जो प्राइस है वेरी फाइन कंडीशन में 1000 रुपया, और इसकी यूएनसी कंडीशन की प्राइसिंग जाती है लगभग 6000 रुपये तक, यानी 1-2 रुपये का सिक्का अगर आपको 2004 का ये नेशनल इंटीग्रेशन वाला मिलता है तो इसके 1-2 रुपये के बजाय यूएनसी कंडीशन का अगर होगा तो आपको 6000 रुपये मिल सकते हैं। वैसे भी वेरी फाइन कंडीशन में इसकी प्राइसिंग 1000 रुपये तक दी हुई है। तो इन दो सिक्कों को हमेशा नज़र में ध्यान में रखना है इस सीरीज़ में। दोनों में ही नोएडा मिंट है यानी ईयर के नीचे डॉट मार्क होगा। अगर ऐसे सिक्के मिलते हैं तो उनको ज़रूर आप अपने कलेक्शन में रखिए, अच्छी कंडीशन में होने चाहिए तो इजीली बिक जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ज़्यादातर लोग खरीदना पसंद नहीं करते हैं, तो इसके लिए कंडीशन का भी बड़ा मैटर होता है इसमें, ठीक है। दूसरा, अब स्केयर्स कैटेगरी पे आते हैं, यानी कम दुर्लभ, लेकिन ये भी आगे चल के दुर्लभ होने के पूरे चांसेस होते हैं इनके। तो इस टाइप का एक ही कॉइन है, वो है 2004 का ही कलकत्ता मिंट का, यानी ईयर के नीचे आपको कोई भी मिंट मार्क नज़र नहीं आएगा। तो कलकत्ता मिंट की यही पहचान है कि कोई मार्क नहीं होता है, प्लेन होते हैं। ईयर के नीचे अगर कोई भी मार्क नहीं है तो वो कलकत्ता मिंट का कॉइन है, जिसकी प्राइसिंग की अगर बुक के हिसाब से बात करूँ तो 300 रुपये से स्टार्ट होती है वेरी फाइन कंडीशन में, और यूएनसी कंडीशन में जाती है 1000 रुपये तक। 300 रुपये से 1000 रुपये की रेंज में इसकी प्राइसिंग दी हुई है। और अगर नॉर्मली फाइन कंडीशन में मिलता है तो मेरे हिसाब से ये 100 रुपये फिर भी आपको दिला सकता है, ठीक है। तो ये एक स्कैर्स कैटेगरी का कॉइन है। तो ये तीन कॉइन है जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे वो रेयर हो या स्कैर हो। अब इसके अलावा कौन से ऐसे कॉइन है जो कलेक्टेबल हो सकते हैं, तो आप लोगों को पहली टाइप बता रहा हूँ मैं। इसमें पहली टाइप है एरर वाली, चाहे वो कोई भी कॉइन्स हो उसमें आपको एरर वाली टाइप पे भी ध्यान देना है, यानी रेयर स्केयर के बाद एरर वाले भी सिक्के होते हैं जो महंगे बिकते हैं। तो उसके लिए आपको अगर समझना है तो मेरी जो एरर कॉइन्स की जो मैंने एक वीडियो डाली थी कुछ टाइम पहले, जिसका मैं ये थंबनेल आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो को ज़रूर देखना। इसमें मैंने 2 रुपीज़ के कॉइन्स नेशनल इंटीग्रेशन वाले भी दिखाए हैं, और भी कॉइन्स की मैंने डिटेलिंग दी है। तो कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो 1000 से 2000 तक बिके हैं, कौन से एरर के कॉइन्स हैं, आप वीडियो में जाके उसको चेक कर लेना, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आए एरर वाले कॉइन्स कौन से होते हैं और क्या प्राइजिंग में बिकते हैं। दूसरा, अगर एरर वाली बुक ख़रीदनी है, हमारे पास अवेलेबल है पूरे के पूरे, उसमें डिटेलिंग के साथ अवेलेबल है सारी इन्फॉर्मेशन, इंग्लिश में है पूरे। आपको एरर जानने हैं तो इंडिया कॉइन्स के भी है, उसमें ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स के भी डिटेलिंग दी हुई है। MRP है 950 और हम दे रहे 850 रुपये में, ठीक है। और आगे अगर इसी में अगर डिटेलिंग में बात करें तो कलेक्टेबल कॉइन्स में आता है लाइन डाई वैरायटी, जिसके ऊपर आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाया था। ABCD ये चार टाइप के लायन मैंने बताए थे आपको, वो भी कलेक्टेबल होते हैं, लेकिन मैंने भी उसमें ख़ास ख्याल आपको देने बोला था, वो ये था कि अच्छी कंडीशन में आपको उसको कलेक्ट करना है, ठीक है। अगर वो अच्छी कंडीशन के होंगे तो ज़रूर वो सेट बना के रखो। वैसे वो ऑक्शन में जो लगे थे वो सिर्फ ए और बी टाइप लगा था, मैंने ABCD तीनों कहा है आपको, तो आप चारों कहा है, चारों को आप कलेक्ट करें, एक सेट बना बना के रखें, क्योंकि ये कलेक्शन सेट बनाना मुश्किल नहीं है, ये काफ़ी आपको वैरायटीज़ देखने मिल जाती है। लेकिन ध्यान ये रखना है ईयर के साथ साथ सेट बनाना है, यानी मिक्स नहीं करना है,
जैसे ए वाला आपने ले लिया 1995 का, और बी वाला अगर आपने ले लिया 1998 का, तो ये ईयर वाइज नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपने 1995 का ए वाला लिया है तो बी वाला भी आपको 1995 में ही देखना है। तो ऐसे सी डी कोई एक ईयर का लेना है, या चारों मिनट के एक ही ईयर में आपको मिल रहे हैं तो चारों को आपको क्लिक करना है 1 मिनट में, तो वो भी एक अच्छा सेट माना जाएगा। तो ऐसा अगर सेट अच्छी कंडीशन में आप कलेक्ट करके रखते हैं तो उनकी प्राइस आगे आपको अच्छी मिल सकती है, मेरा एक अंदाज़ा है। वैसे सेट यूएनसी में अगर आप जमा कर लेते हैं तो लगभग 1500 से 2-2500 रुपये आपको उसका मिल सकता है। अगर कोई बायर को आप बताएंगे तो शायद वो चीज़ बिक जाएगी, ठीक है। लेकिन यूएनसी कंडीशन में, नॉर्मल ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में भी आप करते तो 1000-1500 तक मिलने के चांसेस है। मैं बोलता हूँ अगर 500 भी मिलता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, 4 कॉइन का 500 यानी 8 रुपये का 500 रुपये मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन के जो कॉइन्स हैं इसमें लायन डाई वैरायटी को भी आपको देखना है, ध्यान देना है। अगर आप चाहे तो इनको भी कलेक्ट करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको हमें बेचना चाहेंगे तो हमारे पास फ़िलहाल अभी इसके बायर्स नहीं है। अगर अच्छी कंडीशन में होगा तो आप हमें एक बार बताना, हो सकता है वो हम बिकवा दें, ठीक है। तो चाहे वो हमारे मेंबर हो या ना हो, वो लोग इस टाइप के कलेक्शन करके रखिए, आगे आपको काम आएंगे ये सारे कॉइन्स। अब और आगे कुछ डिटेलिंग्स में जाता हूँ मैं, तो वो डिटेलिंग ये है कि इनके अंदर आपको पता होगा कि अलग अलग मिंट्स के भी कॉइन्स बने हुए हैं, यानी सिर्फ 4 मिंट से ये कॉइन्स नहीं बने हैं, और भी 2 फॉरेन मिंट, 3 फॉरेन मिंट आपको देखने मिलती है, 3 क्या लगभग 4 फॉरेन मिंट देखने मिलती है। उसमें से मैं अभी कुछ आपको एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको थोड़ा मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस टाइप का कुछ अगर उनको दिखता है तो उनको लगता है शायद ये भी कोई रेयर कॉइन है। तो अभी यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 1997 का नेशनल इंटीग्रेशन वाला ही ये सिक्का है, इसमें भी आपको स्टार मार्क देखने मिल रहा है, लेकिन ये हैदराबाद का नहीं है, ये एक फॉरेन मिंट है, ठीक है। सियोल मिंट से ये बन के आए, साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया के जो ये सिक्के हैं इसमें आप 5 पॉइंटेड स्टार मार्क देख सकते हैं, जो कि ईयर के जो लास्ट है यानी 7 के नीचे आपको देखने मिलता है ये, ठीक है। तो ये एक टाइप का फॉरेन मिंट है, ये इंडिया का स्टार वाला हैदराबाद मिंट का कॉइन नहीं है, ये बाहर से बन के आए थे, तो ये उसमें से एक टाइप मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे अलग अलग और भी इसमें टाइप्स हैं। अगर आप इसमें 1998 में देखेंगे तो इसमें भी आपको ऐसे ही स्टार मिंट वाला आपको देखने मिलेगा 8 के नीचे, जैसे भी यहाँ 7 के नीचे तो आपको वहाँ पे 8 के नीचे देखने मिलेगा, वो भी इसी मिंट से बना है, सियोल मिंट से, साउथ कोरिया से, ठीक है। वैसे ही 1998 में एक और फॉरेन मिंट से बना हुआ कॉइन है, वो आपको देखने मिलता है, एम उसमें बना हुआ देखने मिलेगा आपको, एम मिंट मार्क एक छोटे से सर्कल में, ठीक है। यानी कि एम होगा और एक छोटा सा सर्कल होगा, वो आपको देखने मिलेगा ईयर 1998 में, 1998 में, तो वो भी फॉरेन मिंट का ही है। इसके अलावा जो और एक मिंट है जिसको टावर मिंट बोला जाता है, वो यूनाइटेड किंगडम का बना हुआ है, 1999 का यू वाला, ठीक है। तो यू जैसा होगा उसमें, तो वो टावर मिंट बोला जाता है। तो वो भी अगर दिखेगा तो आपको ये नहीं सोचना है कि शायद ये कोई रेयर मिंट मार्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एरर भी नहीं है, वो एक तरीके का फॉरेन मिंट है, ठीक है। वैसे सन 2000 के जो सिक्के बने थे, 2000 वाले, तो ईयर 2000 में जो सिक्के थे उसमें रशिया मिंट के एमएमडी मिंट मार्क वाले आपको देखने मिलेंगे। जैसे मैंने आपको 5 रुपीज़ के कॉपर निकल में बताया था, मॉस्को मिंट के सन 2000 वाले भी थे और सन 1999 वाले भी हैं जो मॉस्को मिंट से बने हुए हैं। वैसे ही 2 रुपीज़ में भी आपको सन 2000 में एमएमडी मिंट मार्क यानी मॉस्को मिंट के भी सिक्के देखने मिलते हैं। तो ये भी कुछ ऐसी मिंट्स थी जिनकी जानकारी आपको होना ज़रूरी थी, तो सोचा मैंने इसको आपको भी दिखा दूं, बता दूं कि भाई ये भी इसमें होता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये शायद उनको कोई रेयर सिक्का मिल गया है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ना फ्रॉड लोग इस टाइप के कॉइन्स भी डाल के बताते हैं कि ये एक रेयर कॉइन है,
इसकी कीमत हज़ारों में है, लाखों में है, तो ऐसा नहीं है, ये कॉमन है, करोड़ों की तादाद में छपे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको इसमें जो लो मिंटेज वाले कॉइन है, यानी कि जिनकी तादाद मिंट कम हुई है, जो कलेक्टेबल है, रेयर और स्कैर्स नहीं है लेकिन कलेक्टेबल है, जिनकी प्राइस बुक के हिसाब से भी थोड़ा ज़्यादा है, वो कॉइन्स अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो फटाफट वो भी समझ लो। 1992 में नोएडा मिंट, 1996 में कलकत्ता मिंट, 1994 में नोएडा मिंट। लगभग प्राइसिंग बुक में इन सब की दी हुई है 25 रुपये से 100 रुपये के बीच में। यूएनसी कंडीशन में 100 रुपया, और वेरी 1996 में कलकत्ता मिंट, 1994 में नोएडा मिंट। लगभग प्राइसिंग बुक में इन सब की दी हुई है 25 रुपये से 100 रुपये के बीच में। यूएनसी कंडीशन में 100 रुपया, और वेरीफाइंग कंडीशन में 25 रुपया। वैसे ही सन 2002 का, यानी 2002 का नोएडा मिंट और 2004 का स्टार मिंट। ठीक है। अच्छा, 2004 का जो स्टार मिंट है ये 25 रुपये से 100 रुपये है, बाकी सब समझ लो 10 रुपये से 100 रुपया है, लेकिन ये वाला जो है 2004 का हैदराबाद मिंट, ये 25 रुपये से 100 रुपये तक दिया हुआ है। अच्छा, 2004 के अगर थीम की ही बात करें तो इनमें सब के सब कॉइन कलेक्टेबल ही है। नोएडा का तो सबसे रेयर है, और कलकत्ता का स्केयर्स में है, मुंबई का भी इसमें जो है 2004 वाले में, मैंने वहाँ लिखा नहीं है लेकिन बता रहा हूँ आपको, ये भी एक कलेक्टेबल है जिसकी प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, 75 रुपये से 200 रुपये तक दी गई है। वेरीफाइन में 75 रुपया और यूएनसी में 200 रुपये। यानी ये चारों मेंट के सिक्के हैं जो आपको अगर अच्छी कंडीशन में मिलते हैं तो ज़रूर इसको कलेक्ट करना है, मिस नहीं करना है आपको, 2004 के। ठीक है। तो ये डिटेलिंग थी आज के वीडियो में, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, और ज़्यादातर लोग इस टाइप के सिक्कों को लेके यहाँ वहाँ प्राइजिंग पूछते रहते हैं, पैसा वैसा दे के भी पूछते हैं। तो जो लोग इस टाइप का काम कर रहे हैं कि प्राइजिंग बताने का मतलब आप लोगों से पैसा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा दुख हो रहा होगा मेरे इस टाइप के वीडियो देख के। तो बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और जो लोग मेंबर बनते हैं भाई, उनको फिर से बता दूँ, रिपीट कर दूँ, मेंबर बनने से आप लोगों को आपके सिक्के बिकेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मेंबरशिप वो लोग हमारे साथ लेते हैं जिनको लगता है कि उनके पास कुछ अच्छे कॉइन्स है, ठीक है, या वो अच्छा कलेक्शन करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हैं और एक नेटवर्क में आके हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो लोग हमसे जुड़ते हैं। फिर वो 1200 जब देते हैं तो उनको हमारे तरफ से जो हमारी बुक है वो हम भेजते हैं, 4 कैटलॉग भी भेजते हैं, साथ में मैं मेरा पर्सनल नंबर देता हूँ जिस पे मोस्टली मेरी उनकी बात हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उस पे भी बार बार बात होती है, लेकिन ज़्यादातर मेरी उस पे उनसे बात हो जाती है। लेकिन जब मैं बिज़ी रहता हूँ तो फिर मैं किसी का भी कॉल नहीं उठाता हूँ, भले ही फिर 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए। हाँ, मेरे अपडेट्स आते रहते हैं, व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई दे देता हूँ अगर कॉल नहीं भी उठाता हूँ तो। मेंबरशिप का ख्याल हमेशा ध्यान रखें, ये मत सोचना कि आपके सिक्के बिक जाएंगे। आप नहीं भी मेंबर होंगे और अगर आपके पास अच्छे सिक्के हैं, चाहे स्केर्स कैटेगरी के हो चाहे रेयर कैटेगरी के, और अगर आप सही दाम में बेचना चाह रहे हैं, यानी हमारे से जो डील होने जैसे चांसेस वाले जो दाम होंगे, जो प्राइजेस होगी, अगर उसमें आप बेचोगे तो कोशिश रहेगी हम आपके सिक्के बिकवा देंगे। बहुत सारे लोगों का हमने सिक्का ख़रीदे हैं जो हमारे मेंबर नहीं भी है उनके भी, लेकिन मेंबर बनने से आपको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिल सकती है, और आप कहीं ना कहीं एक नेटवर्क में आते हो तो उससे आपके लिए फ़ायदा फ्यूचर में भी हो सकता है। और 1200 रुपये लाइफ टाइम है, इसके बाद आपको कोई पैसा नहीं देना है। हाँ, उसमें लेवल होते हैं, लेवल के वाइज अलग अलग मैंने प्राइसिंग रखी है, लेकिन जनरली जो है वो 1200 रुपया ही है, और वो लाइफ टाइम है, बार बार नहीं देना है आपको, जिसमें आपको 600 रुपये की बुक भी मिल जाती है, और 100-100 रुपये वाले भी अगर वो कैटलॉग पकड़ोगे आप तो लगभग 4 कैटलॉग का 400 होता है, यानी 1000 रुपये का सामान आपको वैसे ही मिल जाता है। तो ठीक है, उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। और दूसरी बात, कल की एक वीडियो में मेरे से गलती हुई थी, जो मैंने अपना कलेक्शन दिखाया था उसमें मैंने जो बताया था कि 5 रुपीज़ के मैंने कॉमरमेटिव जो कॉइन लाए हैं उसमें महात्मा बसवेश्वरा जी जो हैं उनका नाम लेने में मुझसे गलती हुई थी,
वो मैं रिकरेक्शन कर रहा हूँ। हो जाता है कभी कभी प्रोनाउंसिएशन यानी अल्फाज सही नहीं निकलते, और दूसरी बात मुझे इनका एग्जैक्ट नाम याद नहीं था, तो मैंने वो कॉइन को वैसे ही देख के जो मैंने बोल दिया था, तो मेरे नाम लेने में गलती हुई है। एक्चुअल इनका नेम है महात्मा बसवेश्वरा, ठीक है। तो इनके सिक्के भी कॉपर निकल में कलेक्टेबल होते हैं और स्टेनलेस स्टील में वो कॉमन है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। बाय।